यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आईएएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। मंत्री रेखा आर्या की शब्दावली को लेकर आईएएस एसोसिएशन नाराज है। आईएएस वी षणमुगम के अपहरण और भूमिगत होने की बात मंत्री रेखा आर्य ने कही थी, जिसके बाद अब आईएएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है इस शब्दावली पर। और मुख्य सचिव से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मिल सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। सीधा रुख करते हैं विनोद का, हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले मंत्री रेखा आर्य ने आईएएस पर आरोप लगाया कि वो जो है बच रहे थे टेंडर प्रक्रिया से, मुख्यमंत्री की फटकार लगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर थी। अब उनकी जो शब्दावली थी उसको लेकर विरोध जता रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं आईएएस एसोसिएशन। क्या जानकारी है? देखिए, राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस वी षणमुगम का ये मामला अब सोशल फूल पकड़ता जा रहा है। और जहां एक तरफ आईएएस एसोसिएशन पूरी तरह से अब नाराज हो गई है, क्योंकि रेखा आर्य ने अपने पत्र में आईएएस अधिकारी के अपहरण होना और भूमिगत हो जाने की तमाम ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसको लेकर आईएएस एसोसिएशन पर मैं पूरी तरह से नाराजगी है। हालांकि अब इस पूरे मामले में तूल पकड़ते देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब एसीएस मनीषा पवार को जांच सौंप दी गई है। और अब जिस तरीके से राज्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, उसको देखते हुए अब पूरे मामले की जाँच अब अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार करेंगी। और साथ ही साथ अब ये भी बता दें कि आईएएस एसोसिएशन आज मुख्य सचिव से मुलाकात कर सकती है, अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती है, क्योंकि लगातार एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी हैं, यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, पत्र में लिखे गए शब्दावली से नाराज हैं, क्योंकि राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अपहरण की आशंका और भूमिगत होने जैसी तमाम शब्दावली का प्रयोग इस पत्र में किया है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि राज्य मंत्री रेखा आर्य ने जिस तरीके से दो दिन के बाद ही एक ऐसा कड़ा पत्र एसएसपी को लिखा है, तो उसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में तमाम वो मुख्य सचिव को बोल सकते थे, अपने विभागीय सचिव से वो बात कर सकती थी। तो अब ये जरूर कहा जाए कि इस पूरे मसले पर राज्य मंत्री रेखा आर्य बैकफुट पर है और ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष भी पूरी तरह से इस मामले को लेकर अब सवाल उठा रहा है, बैठे बैठे मुद्दा जरूर विपक्ष को मिला है। और जी बिल्कुल, आपने तमाम जानकारी दी, आप आगे हमारे साथ बने रहिए।